दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। दौड़ लगाने निकला छात्र, नहीं लौटा घर। एचआरटीसी बस में दो युवकों से चिट्टा बरामद। बंदरों से बचने को भागी बच्ची, छत से गिरकर घायल। एनएसयूआई ने मांगी निष्पक्ष जांच। और अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला के पुलिस थाना धनोटू के तहत कनैड का एक 12 वर्षीय नाबालिग रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर धनोटू पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। कनैड निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उसका बेटा कनैड स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। शनिवार सुबह 5 बजे उसका 12 वर्षीय बेटा सोनू कुमार घर से दौड़ लगाने के लिए निकला था, लेकिन जब वह 10 बजे तक वापस नहीं लौटा तो उसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनोज कुमार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसके बेटे को जल्द ढूंढा जाए। आम जनता से भी आग्रह किया गया है कि उनका बेटा कहीं भी किसी को दिखे तो उनके फोन नंबर 8219378312 पर उन्हें सूचना दें। मेरा नाम मनोज है, मैं कनैड का रहने वाला हूँ और मेरा बच्चा गायब है जी, और मिल नहीं रहा है, और मैंने इसमें पुलिस में भी रिपोर्ट कराई है और मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए। कब से गायब है, कैसे गायब है? वो कनैड स्कूल में पढ़ता था और टीचर ने उनको निकाल दिया, फिर वे स्कूल से उसको नाम काट देना, फिर मेरा बच्चा घर आ गया, घर से फिर सुबह घर से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। इसलिए मैंने धनोटू पुलिस चौकी में भी मैंने इसकी रिपोर्ट लिखाई है, और मेरा बच्चा कहीं किसी को मिलता है तो मेरे नंबर पे मेरे को बता देना। मंडी जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने नेशनल हाईवे 21 पर सलापड़ में हरिद्वार से मंडी आ रही परिवहन निगम की बस से दो युवकों को 25.5 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत मंडी जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम सोमवार शाम मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 21 पर सलापड़ में नाके पर मौजूद थे। चेकिंग के दौरान हरिद्वार से मंडी जा रही परिवहन निगम की बस से चिट्टा बरामद किया गया। आरोपी युवकों की पहचान 27 वर्षीय मोहित कुमार पुत्र सुशील कुमार झंडूता जिला बिलासपुर और 31 वर्षीय वीरू चौधरी पुत्र मनवीर सिंह निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। उधर डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया जाएगा। जिला मंडी में आए दिन बंदरों और बेसहारा पशुओं के हमलों से लोग परेशान हैं। शहर के भ्यूली में 14 साल की बच्ची कृषि पर उस वक्त बंदरों ने हमला कर दिया जब वह घर के छत पर कपड़ों को उठाने गई थी। बंदरों के हमले से बचने की कोशिश करते हुए कृषि अचानक छत से नीचे गिर गई और घायल हो गई। इस घटना में कृषि के बाजू और टांग में चोट आई है और घायल बच्ची का उपचार जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है। वहीं घायल बच्ची की दादी सावित्री देवी ने सरकार से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं डीएफओ मंडी वासु डोगर ने बताया कि वन विभाग की ओर से मंडी शहर में 250 मेल बंदरों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने का टारगेट निर्धारित किया गया है ताकि इनकी बढ़ती संख्या को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही बंदरों की नसबंदी कर मंडी शहर को बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। मेरा नाम कृषि है ना, मैं पर कल सुबह करीब 7:30 या 8 के आसपास ऊपर छत पे गई थी ना अपनी स्कूल ड्रेस लाने के लिए, तो मैं मतलब कपड़े निकाल ही रही थी तभी मेरे पीछे एक बंदर आया ना, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और फिर उसके बाद मैंने देखा तो उसके साथ बहुत सारे बंदर थे, 9-10 बंदर थे ना। फिर मैंने कुछ भी नहीं कि मैं हिली भी नहीं, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गए ना और फिर मैंने घबराहट में मैं भागी ना और मैंने बिना सोचे समझे छलांग मार ली ऊपर से 3 मंजिल से छत से। अब मेरे को यहाँ साइड में फ्रैक्चर हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मंडी की तरफ से जो है मंकी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं जिसमें हमें मंकी कैप्चरिंग एंड स्टेरिलाइजेशन के टारगेट्स अचीव करने होते हैं,
तो मंडी के जो एरिया है उसमें हमने लास्ट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर में 300 मंकीज़ को कैप्चर करके उन्हें स्टेरलाइज किया है, और इस साल के जो हमें टारगेट्स अलॉट हुए हैं वो 250 मंकीज़ को कैप्चर करके उन्हें स्टेरलाइज करने के टारगेट्स अलॉट किए हैं। मंकी स्टेरलाइजेशन में ये होता है कि हम मेल अल्फा मंकी को कैप्चर करके उन्हें स्टेरलाइज कर देते हैं ताकि वो फर्दर ऑफ स्प्रिंग्स ना पैदा कर सकें और मंकीज़ की पॉपुलेशन जो है वो और ना बढ़े। NSUI MLSM कॉलेज इकाई द्वारा इकाई अध्यक्ष अतुल ठाकुर की अध्यक्षता में उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर को 24 अप्रैल को MLSM कॉलेज में JOIIT का प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। NSUI ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। NSUI के इकाई महासचिव अनित जसवाल ने कहा कि MLSM कॉलेज प्रदेश के नामी महाविद्यालयों में शुमार है, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं वे अपने आप को हताश महसूस करते हैं। इस अवसर पर कैंपस अध्यक्ष अतुल ठाकुर, महासचिव अनित जसवाल, मोहित ठाकुर, धैर्या व अन्य NSUI कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज NSUI MLSM इकाई द्वारा पिछले 24 अप्रैल को जो MLSM कॉलेज में JOIIT का पेपर लीक हुआ है उस मामले के संबंध में उपमंडलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। NSUI ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, क्योंकि MLSM कॉलेज का नाम प्रदेश के नामी महाविद्यालयों में शुमार है और इस प्रकार की घटना होना महाविद्यालय के लिए दुर्भाग्य की बात है। अतः इस मामले की जो निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तो क्योंकि इस प्रकार के मामलों से जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं वे अपने आप को हताश महसूस करते हैं, और पिछले कुछ वर्षों से जो कॉलेज में दबाव की जो राजनीति की जा रही है ये घटनाएं उसी का परिणाम है। NSUI इसमें गहनता से जांच की मांग करती है ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हों। धन्यवाद।